वाला मुद्दा? ओपीएस नहीं, ओपीएस का जो मुद्दा है उसमें हम भी शामिल थे सभी। वजह क्या है कि ये जो दो तीन राज्यों में सरकारें आई है ओपीएस के नाम पर आई है, उन सरकारों में चाहे आप हिमाचल प्रदेश ले लो, चाहे पंजाब ले लो, और अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार आई है, उन्होंने भी ओपीएस लागू करने में ऐसा भेदभाव उत्पन्न नहीं किया जैसा अशोक गहलोत सरकार ने किया है। अशोक गहलोत सरकार ने डिवाइड किया है, राज्य सरकार के कार्य कर्मचारी अलग किया, स्वयं संस्थाओं के लिए अलग किया है, जबकि सेम कैटेगरी है, सभी लोगों के वही नियम कायदे कानून लगते हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे स्वयं संस्था का हो। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जब उन लोगों को किस स्कीम के तहत फ्री किया गया, इनके ऊपर ये भार क्यों डाला जा रहा है, ये भी स्पष्ट नहीं कर पा रही सरकार। शिक्षक अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो शैक्षिक कार्य यहाँ पर ठप होगा, आप लोग कार्य करेंगे तो किस तरह का? शिक्षकों के बिना कर्मचारी नहीं और कर्मचारी के बिना शिक्षक नहीं है। अगर शिक्षक शिक्षण कार्य बंद करेंगे तो हम सारा प्रशासनिक कार्य बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे। रास्ता इसलिए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अधिकारियों ने बात पहुंचा दी। मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचने की हमने सारी भरसक प्रयास मंत्रियों के माध्यम से ले लें, चाहे प्रतिनिधियों के माध्यम से ले लें, हमने हमारी बात बहुत दो शब्दों में कह दी है। एक, ये जो वित्त विभाग की ओर से जो ओपीएस की वाहवाही लूटी जा रही है सरकार की तरफ से, उसके अंतर्गत जो स्वायत्तशासी संस्थाएँ हैं और विश्वविद्यालय हैं उनके कर्मचारियों के लिए आपने जो पैसा जमा कराने की जो कंडीशन लगाई है उसका हम परसक विरोध करते हैं। सारे कर्मचारी आज इस पूरे ओल्ड पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं और इसके साथ हमारे चार स्वायत्तशासी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें मेट्रो कॉरपोरेशन है, जिनमें आपके JCTCL लो फ्लोर है और उसके साथ में हमारा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सब ने आज से पूर्ण बहिष्कार का ऐलान किया है और उसी के अंतर्गत हम इसका विरोध कर रहे हैं। अभी एक बहिष्कार है, इसी तरह का आपने पहले भी किया था, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा, तो आप ये क्या बहिष्कार करके इंतजार करेंगे? नहीं, हमने हमारा अल्टीमेटम पिछले जो शहीद स्मारक में हमने 7 जुलाई को जो सांकेतिक प्रदर्शन किया था और सरकार को हमने 7 से लेकर 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद सरकार की तरफ से एक ये बात जरूर आई थी कि जो ब्याज जमा कराने की राशि है उसको हमारे लिए उन्होंने हटा दिया था। हम अभी भी उसी मांग पर अड़े हुए हैं कि ब्याज हटाना हमारी मांग नहीं है, हमारी मांग ये है कि आप हमसे ओपीएस देने के लिए ये पैसा मांग क्यों रहे हो? कितने जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं और दूसरे जो संस्थान हैं, कितने लोग इसमें सफर कर रहे हैं? इसमें अगर हम NPS की बात करें तो लगभग हमारे 5 से 10 हज़ार कर्मचारी हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं NPS में, और अगर बिजली बोर्ड को भी शामिल कर लिया जाए तो ये लगभग 1 लाख कार्मिक इसमें हो जाते हैं, जिनको लगभग आप ये मान के चलिए प्रत्येक कार्मिक को 5 लाख से लेकर 45 लाख रुपए तक की राशि जमा करानी पड़ेगी, तब उसको जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जन कल्याणकारी योजना OPS का लाभ मिल पाएगा।